सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिज्नी प्लस की नई सीरीज मून नाइट के बारे में। सो मून नाइट सीरीज रिलेटेड, मून नाइट के कॉस्ट्यूम्स रिलेटेड, इसका पहला लुक इंटरनेट पे लीक हो चुका है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसके अलावा इस वीडियो में मैं मून नाइट के ओरिजिन के बारे में बात करूंगा। तो अगर आपको मार्वल के मून नाइट कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो ताकि आपको इस सीरीज के बारे में, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 2022 में रिलीज होने वाली है, इसके बारे में सब कुछ पता चल सके। इसके अलावा इस मून नाइट कैरेक्टर के बारे में भी आपको एक बेसिक नॉलेज हो सके। तो अगर आपको मून नाइट के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को भी देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मून नाइट की सीरीज डिज्नी प्लस पे 2022 में रिलीज होने वाली है। इसका रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं है, बट 2022 में मोस्ट प्रोबेबली आपको मून नाइट की सीरीज देखने को मिल जाएगी। मून नाइट की सीरीज में मेन रोल ऑस्कर आइजैक प्ले कर रहे हैं। इस सीरीज में ऑस्कर आइजैक मून नाइट कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा इस सीरीज में विलन का रोल इथन हॉक प्ले कर रहे हैं। अब इथन हॉक कौन से विलन का रोल प्ले कर रहे हैं ये अभी कंफर्म नहीं है, पर इस सीरीज में बेसिकली हमको ऑस्कर आइजैक वर्सेस इथन हॉक देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मून नाइट के ओरिजिन के बारे में बात करें, सो मून नाइट का असली नाम मार्क स्पेंसर था, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के समय जर्मनी से निकल के अमेरिका आ गया था। अमेरिका में आने के बाद मार्क स्पेंसर एक बॉक्सर बनता है। इसके बाद वो अमेरिकन आर्मी को भी ज्वाइन करता है। इसके बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस ब्यूरो CIA को भी ज्वाइन करता है। और CIA को छोड़ने के बाद मार्क स्पेंसर एक पेड मर्सिनरी बन जाता है, जो कि पैसे लेके डिफरेंट लोगों के लिए काम करता है बेसिकली। तो मार्क स्पेंसर को एक वॉरलॉर्ड हायर करता है इजिप्ट के अंदर, और मार्क स्पेंसर बेसिकली इस वॉरलॉर्ड के लिए इजिप्ट में काम करने लगता है। पर एक मिशन के दौरान मार्क स्पेंसर उस वॉरलॉर्ड को धोखा दे रहा होता है ताकि वो कुछ लोगों की जान बचा पाए। पर जब वॉरलॉर्ड को पता चलता है कि मार्क स्पेंसर उसकी बात नहीं मान रहा है और उसे धोखा दे रहा है, तो वो वॉरलॉर्ड मार्क स्पेंसर को मरवा देता है। जिसके बाद मार्क स्पेंसर को कॉन्सरू नाम का एक इजिप्शियन गॉड जिंदा करता है, रिजरेक्ट करता है, और कॉन्सरू अपने पावर्स को मार्क स्पेंसर के अंदर डाल देता है, जिसके बाद मार्क स्पेंसर मून नाइट का फॉर्म लेता है। अब मून नाइट बनता है। मार्क स्पेंसर के पावर्स के बारे में अगर बात करें तो मार्क स्पेंसर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस है। और मार्क स्पेंसर के पावर, जैसा कि उसका नाम सजेस्ट करता है, मून लाइट पे डिपेंड करती है। अब मून नाइट को उसके पावर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक इजिप्शियन गॉड से मिली थी। तो यही बेसिकली ओरिजिन थी मून नाइट की। मून नाइट को कॉमिक्स में काफी बार रिबूट किया गया है, और मून नाइट को कॉमिक्स में एक काफी अच्छे डिटेक्टिव के जैसे भी पोर्ट्रे किया जाता है, और एक ऐसे करेक्टर के रूप में ये पोर्ट्रे किया जाता है जिसको काफी सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। अब मून नाइट काफी बार एक मेंटल असाइलम में भी पाया जाता है। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि डिज्नी प्लस की सीरीज मून लाइट के किन एस्पेक्ट्स को फॉलो करती है इस सीरीज में। बाकी अगर हम मून लाइट के लीक्ड कॉस्ट्यूम इमेज को देखेंगे तो इस इमेज में हम देख सकते हैं कि मून नाइट का जो कॉस्ट्यूम है वो एक मम्मी के जैसा लग रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इस सीरीज में हम देखें कि मून नाइट को कैसे उसके पावर्स मिलते हैं, और इस सीरीज में हम इजिप्ट और वहां के गॉड्स के बारे में भी जानेंगे। तो बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट्स बताओ कि आपको मून लाइट का फर्स्ट लुक कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 70% लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूं तो आपको इन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।